जय नमस्कार सभी भाइयों को। तो आज हाजिर है मारुति अल्टो K10, जो दोस्तों इसमें LPG गैस की लगी है अपने यहाँ सुभाष सोनी ऑटो गैस, जो दोस्तों जो कि अपनी दुकान है 97 से है। तो दोस्तों इसमें जो LPG गैस की लगी है उसमें आपको टैंकी दिखाते हैं। जी हाँ रोहित भैया, टैंकी डिग्गी खोलना सर, खुली हुई है आगे से। तो भाई साहब आगे से खुली हुई है। तो दोस्तों पीछे से दिखाते हैं। जहाँ दोस्तों ये टैंकी है, इसमें SCPL कंपनी की टैंकी लगी हुई है जो कि 60 लीटर की टैंकी है ये, जिसमें ICI हॉलमार्क लगा होता है, जिसमें RTO अप्रूव्ड करवाने के लिए है। ICI हॉलमार्क होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी टैंकी अप्रूव्ड नहीं होगी। तो हाँ दोस्तों इसमें ये एटेड बॉक्स लगा हुआ है, इसको उठा देते हैं तो इसके अंदर आपको दिखेगा। ये एक 12x11 वोल्ट की कॉइल है, 12 DC होगा और 11 वोल्ट में आएगी, जिसमें दो थिम्बल लगा के थिम्बल के ऊपर बढ़िया कवर लगाया गया है। इसमें ये सेंसर लगा है जो कि आगे गैस बताएगा, पीछे भी बताएगा, जिससे ये तार लगी है ये आगे भी बताएगा। जो हमने इसमें मल्टीवायर लगाया 30 डिग्री का लगाया, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 9/22 है। ये इसको ऑन ऑफ करने का बटन है, ये इसके अंदर आगे इंजन में जाने की पाइप, और ये जो पाइप है ये फिलिंग पाइप है जिससे आप गाड़ी में गैस भरोगे, जो कि ये फिलिंग पाइप के रूम में आती है। इस हिसाब से आप इसको कहीं भी रख सकते हैं और बाहर निकलवा के गैस डलवा के वापस अंदर डाल सकते हैं। इसमें भी एक कैप लगेगा। तो हाँ रोहित भैया, इसकी स्टपनी निकाल के दिखाना कैसे निकलेगी। तो हाँ दोस्तों अल्टो में स्टपनी निकलती है, जो हमने पाइप के ऊपर कवर लगाया है। तो हाँ दोस्तों ये अल्टो की स्टपनी है, इसको निकालने के लिए आगे वाली सीट फोल्ड करनी पड़ेगी, जिसके लिए हल्का सा ये देखो आसानी से आप स्टपनी को निकाल सकते हैं। तो रोहित भाई क्या आसानी से निकल रही है स्टपनी? आसानी से निकल रही है स्टपनी। तो हाँ भाई वापस डाल दो स्टपनी। तो हाँ रोहित भाई वापस स्टपनी डाल रहे हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, जिसमें हल्का सा दोनों तरफ से उठा के, और ये देखो ये स्टपनी डल चुकी है। अब सीट पीछे कर दो भाई साहब। ये सीट पीछे करने के बाद में ये टैंक इस जगह आ जाएगी, ऊपर की जो ट्रे आती है वो ट्रे भी पूरी लग जाएगी, जिससे टैंक हिडन हो जाएगा और टैंक दिखेगा भी नहीं, और स्टपनी अपनी ही जगह पर रहेगी, नीचे वाली जगह पर। यह अल्टो K10 की लाइट, जो पुराना मॉडल था अल्टो K10 का, तो फ़िलहाल कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया है, और देखिए डिमांड भी है। ये अपना स्टिकर है, साइंस 1997 में सोनी कार गैस किट, मेद माउंट होटल के सामने नागौर का एड्रेस है ये अपना अल्टो K10। ये काफ़ी बढ़िया लुकिंग में है, ये पीछे का भी लगाया हुआ भाई साहब ने आर्मी, जो कि पहले आर्मी के ऑफिसर के पास गाड़ी थी अल्टो K10, या साइड लुकिंग है गाड़ी की। दोस्तों अंदर का इंटीरियर सिस्टम भी दिखाते हैं आपको अल्टो K10 में। तो दोस्तों ये इसके अल्टो में सिर्फ ये होता है, इसके ऊपर ये नहीं होता है, इसलिए K10 में ये ऊपर भी दिया होता है ऐसी विंडो के लिए। ये इंटीरियर सिस्टम, अंदर का डैशबोर्ड दिया हुआ गाड़ी है। ये म्यूजिक सिस्टम है जो कंपनी खुद देती थी अल्टो के अंदर, ये AC। इसमें SRS कंपनी का आपको एयरबैग नहीं मिलेगा, क्योंकि SRS का भी कंपनी देने लगी है एयरबैग, जिसमें जो सिंगल एयरबैग होगा वो होगा हॉर्न के अंदर ही, इस जगह आपको एयरबैग मिलेगा। ये इसकी सीटें हैं बढ़िया क्वालिटी की, बढ़िया रंगीन की है। इसमें जो हमारा स्विच लगेगा वो इस जगह लगेगा, होल कर दिया गया, अब इसमें बस स्विच को लगाना बाकी है। दोस्तों अब आगे का सिस्टम दिखाते हैं। दोस्तों एयर फिल्टर को हटाना। दोस्तों जो हमने रेल इंजेक्टर बोलते हैं, जो कि अल्टो K10 भी 3 सिलेंडर गाड़ी है, 1000 CC गाड़ी है अल्टो, 800 CC आती है, 800 CC, और ये अल्टो K10 है ये 1000 CC है। इसमें 3 इंजेक्टर काम करेंगे, जो तीनों पाइपें और कॉइल हमने लगा दी है, इतने बढ़िया से पत्ती को लगाया गया है इस जगह पे, और दूसरी जगह पे हमने यहाँ पे ये लॉक लगाया गया है, जिससे कि रेल हिले ना ही वाइब्रेशन करे। इसके अलावा हमने यहाँ 3 होल किए हैं, जिसमें से बढ़िया से पाइप को नीचे से दिया गया है, ताकि पाइप में भी बेंड ना हो। ये वैक्यूम का होल है, जो कि आगे जाके सीधा मैप में अटैच होगा, तो मैप को भी बढ़िया क्वालिटी के साथ में लॉक लगाया गया है। उसके बाद में ये फिल्टर है, इसका जो भी कचरा है इस फिल्टर में रुक जाएगा, फिल्टर को भी बढ़िया जगह देख के अटैच किया गया है। दोस्तों ये हमारा वेपराइजर है, लो फुल इटालियन कंपनी, जिसमें 1 साल की फुल गारंटी होती है। इसकी ओपोनेंट की पाइपें हैं, जिनको यहाँ भी बढ़िया से लॉक किया गया है। एक इसकी वैक्यूम की पाइप है, और ये इसकी मेन पाइप है जो पीछे से आगे आ रही है। ये हमने कॉइल पर यहाँ पर भी 11 वोल्ट की कॉइल लगाई है। ये टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। उसके अलावा ये 3 नट दिख रहे हैं, इसमें भी एक छोटा फिल्टर आता है,
जो कि वेपराइजर की सफाई होने के साथ, जब ये सफाई होती है उस टाइम ये फिल्टर साफ़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो हमने इसमें प्रोडक्ट लगाया वो है ये ACM लो कूल इटालियन कंपनी का, जिसमें भी बढ़िया से नीचे से एक यहाँ लॉक किया गया, एक यहाँ ऊपर लॉक किया गया, जिससे कि ये ACM का डब्बा कितना भी करने से नहीं लेगा। इसके अलावा हमने यहाँ फ्यूज सिस्टम भी लगाया इसके लिए, जो कि अभी बैंटरी के अंदर जोड़ना बाकी रहा है बस, बाकी लगभग गाड़ी कंप्लीट हो गई है। गेंद डलवाने जाएंगे अब इसमें, ये इसका ACM जिसमें हम लैपटॉप अटैच करते हैं वो स्विच है, तो लगभग गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, बस एयर फिल्टर लगा के गेंद डलवानी है इसमें। और जो 14 नंबर गाड़ी है नागौर पासिंग है, जो कि RTO अप्रूव्ड इसका नागौर है। ये साइड लुकिंग है क्या हमारे शर्मा जी, रोहित शर्मा, तो हाँ शर्मा जी लगा दो एयर फिल्टर। उसके बाद रोहित शर्मा जी अब गाड़ी चला के गए डलवाने जाएंगे, तो पहले हम इसमें एक ही सिलेंडर डलवाएंगे चेकिंग के लिए। तो हाँ दोस्तों ये अपनी शॉप है, गैरेज है, सोनी कार गए, सोनी ऑटो गए। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी आगे बढ़िया वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें जी। हाँ दोस्तों।